हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफस्टाइल विद शीशा एंड पैम। पहले तो आज मैं आप लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी एक फिगर की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद की है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनके लिए लिंक डाल दूंगी। प्लीज टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज रेसिपी ऑसम थी, सबने बहुत अप्रिशिएट की है। और आप लोगों से जब अप्रिशिएशन मिलती है और आप लोग जब अच्छा बोलते हो, कमेंट में लिखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। उसी ख्याल से मैंने सोचा आज भी एक स्नैक रेसिपी लेके आते हैं जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगी, क्योंकि है चीज बॉल, माउथ वाटरी यम्मी चीज बॉल, जो कि अलग अलग वर्जन है, अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं चीज बॉल। पर उससे पहले, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और आफ्टर सब्सक्राइबिंग उस बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें। लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ड्राइड हर्ब्स, क्रश्ड ब्लैक पेपर, गार्लिक क्लोव्स और थोड़ी सी गार्लिक पेस्ट। ग्रेटेड मोज़रेला चीज, एक अंडा, एग, ब्रेड क्रम्स। अब एक बोल ले लेते हैं जिसमें बॉइल्ड आलू यानी कि पोटैटो मैं ले लूंगी। 3 मीडियम साइज के पोटैटो ली हैं। आपको जिस हिसाब से चीज बॉल्स बनाने हैं उस हिसाब से आप पोटैटोस ले सकते हैं। अब जो है इस बॉइल्ड आलू को मैं एक मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। अब इस बॉइल्ड आलू में पहले से फाइनली चॉप की हुई बेल पेपर्स डाल दूंगी। 3 कलर की बेल पेपर्स ली हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, और उसे बारीक बारीक काट लिया है। देखिए मैंने बेल पेपर डाल दी है आलू के अंदर, और बारीक बारीक काटी हुई स्प्रिंग अनियंस। आपके पास जो भी सब्जी हो, जैसे कि कैरेट डाल सकते हैं, गाजर, बीट रूट भी डाल सकते हैं, पर उससे थोड़ी सी कलर चेंज हो जाती है। बीन्स डाल सकते हैं। सीजनल सब्जी को यूज करके ही बनाइएगा। पहले ग्रेटेड चीज डाल देती हूँ। अब धीरे धीरे एक के बाद एक सारे मसाले डाल दूंगी। पहले मैंने गार्लिक के क्लोव्स जो छोटे छोटे बारीक काट लिए थे उसको डाल दिया है। फिर मैं गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। क्रश्ड ब्लैक पेपर, ड्राइड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, और स्वादानुसार नमक। अब तीखा और नमक जितना आपको खाना है आप उसके हिसाब से डालिएगा। अब जो है पहले हाथ को अच्छे से धो के सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं हाथ से इसे गूंदूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं।
पर मैं हाथ से गूंदना पसंद करती हूँ। अब इसी के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाल दिया है ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो। पूरी नहीं, थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स मैंने डाला है। अब एक दूसरे बोल में अंडे में मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी है और इसे अब मैं अच्छे से फेंट लूंगी। अगर आप चाहें तो इस वक्त इस अंडे में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और क्रश्ड ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अंडे को अच्छे से फेंट लूंगी। अब जो है एक बोल में मैंने सारे चीज क्यूब्स को छोटे छोटे काट लिए हैं। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में बनाऊंगी आलू की जो मिक्सचर है उसकी, और उसके अंदर एक छोटी सी ऐसे पोटली बना के मैं उसके अंदर चीज के क्यूब्स को डाल दूंगी। अब चीज क्यूब कितनी बड़ी चाहिए यह आप अपने अंदाजे से कीजिएगा। बस इतना ख्याल रखना है कि आलू की परत से चीज क्यूब पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए, अदरवाइज जब भी आप उसे तेल में डालेंगे तो उसे फूटने की चांसेस रहते हैं। चीज क्यूब को अच्छे से आलू की परत से ढक लीजिए, सॉफ्टली ऐसे गोल गोल आकार में बना लीजिए। देखिए जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही मैं सारे बॉल्स बना लूंगी। अब सबकी आकार सेम नहीं आई है पर मोर ऑर लेस सेम हो तो देखने में अच्छा लगता है। चलिए मेरे सारे बॉल्स बन गए हैं और अब मैं इसे एग में डिप करूंगी और फिर ब्रेड क्रम्ब में रोल करके इसे तैयार करूंगी। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये पूरे प्रोसेस में कुछ भी नॉनवेज नहीं है, बस ओनली एग है जिसमें मैं इसे डिप कर रही हूँ, तो इसके जगह आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर में डिप कीजिए और उसे ब्रेड क्रम्ब में रोल करने के बाद तैयार कीजिए, तो ये पूरी तरह से वेजिटेरियन डिश बन जाएगी। तो ऐसे ही रोल करने के बाद मैं सारे बॉल्स बना लूंगी। बस हाथ एक में मत डालिएगा तो फिर ये जो ब्रेड क्रम है ये पूरी लंप हो जाती है इसके अंदर और बहुत मेसी हो जाती है। अब मैं सारे बॉल्स जितने चीज बॉल्स मुझे बनाना है वो सारे बना के इस डिश के ऊपर रख दूँ। अगेन मैं बोलना चाहूंगी अगर आप चाहें तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बार ब्रेड क्रम में कोट करने के बाद फिर से अंडे में डुबो के या तो फिर कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करने के बाद फिर से एक बार ब्रेड क्रम में रोल कर सकते हैं। देखिए मेरे सारे के सारे जो चीज बॉल्स हैं रेडी हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब एक पैन में मैं व्हाइट ऑयल ले लूंगी, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल यूज की है। अब ऑयल में मैंने थोड़ी सी बटर डाल दी है, आप चाहें तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो बटर में भी कर सकते हैं, पर थोड़ी सी ऑयल यूज कीजिएगा अदरवाइज बटर जल जाती है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए यानी कि खोलता हुआ जो ऑयल है तेल है एकदम गर्म वाली, तभी आप इन सारे चीज बॉल्स को इसके अंदर डालिएगा। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और शैलो फ्राई करते टाइम यही ख्याल रखना चाहिए कि बॉल्स को चीज बॉल्स को या जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसको उलट के पलट के पूरी चारों तरफ से ये फ्राई हो जाए वो देखना जरूरी है। डीप फ्राई में ये देखना नहीं पड़ता है उतना ज्यादा। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैं सारे के सारे तैयार जो चीज बॉल्स हैं उसे मैं तेल में एक के बाद एक डाल दूंगी। अच्छा यहाँ तक जो प्रोसेस है चीज बॉल की, मतलब ब्रेड क्रम में रोल करने तक, इसके बाद आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको बनाना हो आप निकाल के इसे फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए और उसके बाद फ्राई कीजिए। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो पहले से आप ये चीज बॉल कच्चा वाला यानी कि तेल में फ्राई करने से पहले तक प्रोसेस करके भी रख सकते हैं, तो ये 2 मिनट में झटपट बन जाएगा। देखिए मैंने ऑयल में सारे चीज बॉल्स को डाल दिए, अब मैं इसे
उलट के पलट के चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँ। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसे मैं उठा लूँगी। इसी बारे में मैं बोल रही थी कि आलू की जो परत है वो अच्छी तरह से चीज को कोट करनी चाहिए, अदरवाइज इस प्रोसेस में गर्मी में चीज जो है पिघल के बाहर निकल आने के चांसेस रहे। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए कोई भी डिप के साथ। मैं मेयोनीज और टोमेटो केचप को मिक्स करके एक डिप बनाया है मैंने, उसके साथ मैं इसे सर्व करूंगी। काकी को इस डिप के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, जरूर इसे घर में बनाइए गाइस, बहुत टेस्टी है। और एक मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि अंदर का जो चीज है, देखिए वाओ, दिख रहे हैं ना, एकदम टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, I'm telling you, पाखी लव दिस। और आप लोग ये अपने घर में बनाइए और खा के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा और क्या है जो इस चैनल पे आप लोग देखना पसंद करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट डे कुछ और मजेदार वीडियो के साथ हम लोग फिर से आ जाएंगे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए और घर में रहिए। बाय बाय।